नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। समाजवादी पार्टी के जसराना विधानसभा के प्रत्याशी सचिन यादव और शिकोहाबाद विधानसभा के प्रत्याशी मुकेश वर्मा ने किया नामांकन। नामांकन में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कही बड़ी बात। कहा, अमित शाह जहाँ जाते हैं वहीं हार जाते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल। कहा कि देख लीजिए उनका इतिहास उठाकर, हरिओम यादव भी अपराधी हैं इसलिए पार्टी से निकाला। आने वाला समय में भी हर अपराधी को पार्टी से कहा कि निकाल दूंगा। सपा की सरकार बनेगी तो सबके मुकदमे वापस होंगे। अच्छा भैया, फोटो सिंगल मास्क लगा उतार कर, कोई बात ले आए। तुम नहीं बता रहे हो, मैंने बोला है पूरा क्यों कवर कर रहा है। अब काट के बना, अब जान जाओ इंग्लिश से बनाओ, नीचे बना इतना दे रहा यार, दे रहा हूँ। अरे वर्मा जी, अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और फिर ऐसी सीट पर थे, समाजवादी पार्टी से आपने आज नॉमिनेशन कराया है, क्या जीत का आधार मानते हैं और क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के प्रत्येक वोटर के पैरों में प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक एक मतदाता को यह विश्वास दिला दिया है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय अखिलेश यादव जी शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गरीबों के, शोषितों के, पिछड़ों के और इवन दैट जो सवर्ण जाति के लोग गरीब थे उनके साथ भी कुटाराघात जो किया है, इसका बदला जनता वोट डालकर इन्हें देगी और ये घंटी वाले लोग हैं इनको पहाड़ पर ही भगा देगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्या आपके वायदे हैं चुनावी वायदे? हम फरोल नगरिया पे डैम बनाएंगे, जहाँ गरीबों के हित की बात होगी गरीबों के हित की बात करेंगे। 300 यूनिट बिजली जो गरीबों के लिए है उसे फ्री देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है उसे हम पूरा करेंगे। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिनको परम आदरणीय माननीय अखिलेश जी ने ये कह दिया है कि हम एक एक काम गरीबों के हित का करेंगे, एक एक काम, किसी भी गरीब को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देंगे। ये आपकी सरकार की आपने बातें बताई हैं, अपने क्षेत्र की आप क्या कहना चाहेंगे? हम फरोल नगरिया पे बहुत अच्छा डैम बनवाएंगे। अब तक क्यों नहीं बनवाया? अभी तक तो भाई साहब सरकार ने सुनी नहीं, सरकार ये गरीबों की थी ही नहीं। 200 एमएलए एक साथ उसी विधानसभा में बैठ गए, उनके सामने ही बैठ गए, आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं है। 200 एमएलए दो साल पहले उसी विधानसभा में उनके ही सामने बैठ गए। अभी तक आप बीजेपी से विधायक रहते हुए बीजेपी की तारीफ और सपा की का विरोध, अन्य पार्टियों का विरोध करते थे, आज सपा की तारीफ और उसका विरोध करें, इसमें सही कैसे मानते हैं आप? सही भाई साहब, बात यह है कि हम लास्ट तक ये सोचते रहे क्या जो मुद्दे गरीबों के हैं वो ये पूरा करेंगे, जो मुद्दे शोषितों के हैं ये पूरा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों को जिस लाभ की बात और चर्चा है वो ये करेंगे, लेकिन अंतिम दिन तक यह केवल और केवल बहाना बनाते रहे, विश्वास दिलाते रहे गरीबों के हित का कोई काम इन्होंने नहीं किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो भाजपा में रहते हुए इनका विरोध किस आधार पर करते? हमने हर आधार पर विरोध किया था और आज से 2 वर्ष पहले एक नहीं दो नहीं 200 एमएलए विधानसभा में बैठे थे, आप सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोले लोग इन्हें गरीब लगते हैं, हम लोग इन्हें गरीब नहीं लगते हैं, इसलिए ये गरीबों का हक खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार
नामांकन किया है जी। नामांकन हो गया आपका, और किस तरीके से तैयारी रहेगी आपकी? तैयारी तो समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल से ही कर रखी है। हम लोग पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में हैं, और जनता के मुद्दों को और किसानों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को पिछले 5 साल तक सरकार के लिए सामने उठाते रहे। तो हमारी तैयारी तो पूरी है, और हम, मुझे विश्वास है कि 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों में फेल हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले पांच साल से समाजवादी पार्टी के लोग किसानों को मुद्दा लेके धरना देते रहे, ज्ञापन देते रहे, लेकिन पिछले 5 साल में किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। किसान पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5 साल तक सड़कों पर धरना देता रहा। कभी भी आजाद भारत में आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 साल तक किसानों को सड़कों पर रहना पड़ा। तो किसानों की जो आय दोगुना करने का वादा करके सरकार आई थी, उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। नौजवानों का मुद्दा है, आप देखिए, जो सरकार ये कह के आई थी कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, और बेरोजगार हो गया नौजवान। कोई भी किसी भी सेक्टर में देखिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर देखिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर देखिए, सारे सेक्टर्स में आजकल नौकरी नहीं है। नौजवानों दर दर की ठोकर खा रहा है। वो लोग कहते हैं कि पकौड़ा तलना, नरेगा में काम करना नौकरी है। नरेगा में काम करना नौकरी नहीं है, आजकल के नौजवानों की मजबूरी है। तो नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई से हर घर परेशान है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसके दाम नहीं बढ़े हो, और हम लोगों की आमदनियां घटती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। हर आदमी, हर वर्ग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे नौकरी करता हो, गवर्नमेंट की नौकरी करता हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करता हो, चाहे अपना व्यापार चलाता हो, हर आदमी इस 5 साल में परेशान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ओपन रैली पर रोक लगा दी है। माना जाता है कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे है, जो सोशल नेटवर्किंग उसका काफ़ी पीछे है, तो कैसे, किस तरीके से लोगों से आप जुड़ाव रखेंगे? देखिए, सोशल नेटवर्क में हर हमारा कार्यकर्ता, जनता हमारे साथ है, और जो जनता साथ में है वो सब लोग सोशल मीडिया पर हैं। आप सोशल मीडिया में हम लोग बीजेपी से बहुत आगे हैं, और डोर टू डोर में हम लोगों के गांव में, हर गली में, हर घर में हम लोग पिछले 5 साल से घूम रहे हैं। हमें ज़्यादा चुनाव में तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज इलेक्शन हो जाए, कल वोट हो जाए, तो भी हम जीत जाएंगे। हमें इतने पीछे, हम बहुत आगे निकल गए हैं चुनाव की तैयारी। आप प्रत्याशी हैं सचिन जी, रैली निकालेंगे क्या? नहीं नहीं, हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के नियम का पालन करेंगे, जैसा इलेक्शन कमीशन कहेगा। प्रत्याशी भी हैं, यादव भी हैं, वो भी जी, मानते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। ये सब होता रहता है कि बहुत सारे प्रत्याशी लड़ते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के जसराना से सीट निकलेगी, और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाए समाधान। अभी कॉल करें 844-8277-903।